नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ब्लैक पैंथर वापस कैसे आने वाला है, क्योंकि हार्डशिप हब अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट ब्लैक पैंथर को अपनी पावर्स कैसे मिलेगी। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पैंथर गॉडेस बास्ट को आजाद करने से क्या होगा। लेकिन वो समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उसे आखिर कैद क्यों किया गया था। अब वकंड और वाइब्रियम की कहानी तो सभी को पता होगी, लेकिन वो जिस ऑर्डर में बताई गई थी वो इस क्वेश्चन के लिए समझना इम्पोर्टेंट है। एंड इसे हम अगर मून नाइट की सीरीज में दिखाए हुए इवेंट से रिलेट करें तो ये बहुत ज्यादा सेंस भी करता है। सो वकंडा में जब सबसे पहले वाइब्रियम गिरा था, तब उसके आसपास 5 ट्राइब्स इकट्ठा हो जाते हैं, जो बाद में आपस में वाइब्रियम को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर पैंथर गॉडेस बास्ट अपीयर होती है। एंड उनमें से एक सबसे अच्छे और भले इंसान को चूज करती है और अपना अवतार बनाती है। अब जहां बाकी के गॉड्स अपने अवतार्स डायरेक्टली सिलेक्ट करते थे एंड उन्हें अपने पावर्स देते थे, वहीं पर बास्ट अपने अवतार को पावर्स हार्डशिप हब से देती है। एंड इसके पीछे रीजन ऐसा है कि जब बास्ट ये देखती है कि कैसे ह्यूमंस वाइब्रियम के लिए अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो ये बात समझ जाती है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सभी के सभी कबीले खत्म नहीं हो जाते। एंड वाइब्रियम एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट था जिसको हर कोई पाना चाहता था एंड जिसे हर हालत में बुरे लोगों से दूर रखना जरूरी था, जिसके वजह से वो ह्यूमंस के इस फाइट को रोकने का सोचती है। लेकिन एज मून नाइट के एपिसोड 3 में हमें क्लियरली कहा गया है कि सभी गॉड्स ने आपस में डिसाइड किया था कि वो ह्यूमंस के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से बास्ट डायरेक्टली यहाँ पर वॉर नहीं रुकाती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे भी पत्थर में कैद किया जाता, जैसे लास्ट में खुनशुको करते हैं। एंड जिसके वजह से उसे इस लड़ाई को किसी ऐसे तरीके से हैंडल करना था जिससे कि वहां के लोग लड़ना बंद करके शांति में रहते, और इनकेस आगे कभी फ्यूचर में ऐसा होता तो वो पत्थर में कैद होने के बाद भी उसे ह्यूमंस में आना ना पड़ता, जिस वजह से वो एक ऐसे प्लांट एक ऐसे हर्ब में अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर देती है जिसको खाने के बाद उस इंसान में उसकी थोड़ी सी पावर्स आ जाएगी, और जिसके बाद वो इंसान बास्ट का अवतार बनता, जिस कारण अल्टीमेटली लोग उसकी बात मानते और उसे फॉलो करते। बास्ट का अपीयरेंस इस मूवी में 4 चांद लगाने वाला है। लेकिन आपके अपीयरेंस में 4 चांद लगाने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा redwolf.in के बारे में। सो जब भी मैं कोई अपकमिंग फेवरेट मूवी या मेरे किसी फेवरेट कैरेक्टर रिलेटेड कोई भी मर्चेंडाइज ऑर्डर करता हूँ तो मैं redwolf.in से ही करता हूँ। इट हैज अमेजिंग क्वालिटी, फिटिंग एंड ऑसम डिजाइंस। एंड अगर आप भी स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मून नाइट, थॉर लव एंड थंडर जैसे ट्रेंडिंग मर्च बाय करना चाहते हो तो चेक आउट redwolf.in। इसमें आपको मिलेंगे कैप्स, बैजेस, हुडीज, टी-शर्ट्स, फोन केसेस, स्टिकर्स, आप जो बोलो इनके पास सब कुछ है। अब अगर आप ऑर्डर करते समय मेरा कूपन कोड comical10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए और चेकआउट कीजिए redwolf.in, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर बास्ट को सिर्फ हार्डशिप हब में पावर्स डालने की वजह से अगर कैद किया गया है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अरेज होता है कि जब मार्क स्पेक्टर, जो खोनशु का अवतार है, वो जब मर्डर्स करता है या इंसानों को मारता है, तब खोनशु इनडायरेक्टली ह्यूमंस में इंटरफेयर करता है, तो फिर उसे सारे गॉड्स तभी कैद क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन ये है कि जब खोनशु का अवतार ह्यूमंस में इंटरफेयर करता है तब उसके एक्शंस की वजह से मेजर लेवल पर अफेक्ट होने वाले चेंजेस नहीं होते। Whereas, जब बास्ट अपने अवतार को लड़ाई रोकने के लिए कहता है तब वो मेजर लेवल पर अफेक्ट करता है। एज वाइब्रियम बहुत ही स्पेशल था तो जब आउटर वर्ल्ड को उसके बारे में पता चलता तो जो वॉर वकंडा में हो रहा था वो वर्ल्ड लेवल पर चला जाता, एज सारे कंट्रीज वाइब्रियम पाने के लिए आपस में लड़ने लगते एंड बास्ट अपने अवतार के थ्रू उनमें इंटरफेयर करके ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वॉर को होने से रोकती है, जो ऑब्वियसली एक काफी बड़ा रीजन है उसे पत्थर में कैद करने के लिए। अब इसके अलावा पैंथर गॉडेस बास्ट को कैद करने का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि एमिट ने बास्ट को ट्रिक करके कुछ ऐसा करवाया होगा जिसके कारण बाकी के गॉड्स ने एमिट के साथ उसे भी कैद करवा दिया। अब ये जानते हैं कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर के लिए बास्ट का आजाद होना क्यों जरूरी है एंड कैसे हमें नया ब्लैक पैंथर मिल सकता है, क्योंकि किलमोंगर तो अब मर चुका है, साथ ही उसने हार्डशिप हब को भी चला दिया है जिससे आगे कोई ब्लैक पैंथर बनता।
और सबसे इम्पोर्टेंट, अब चैडविक बोसमैन जो ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऊपर से मार्वल ने भी इसे कंफर्म किया है कि वो चैडविक बोसमैन के आइकॉनिक रोल को रिस्पेक्ट करने के लिए ना ही उनका CGI यूज करेंगे एंड ना ही उनके जगह पर दूसरे किसी एक्टर को कास्ट करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें नेक्स्ट ब्लैक पैंथर की मूवी में ब्लैक पैंथर देखने मिले? सो इसका आंसर छिपा है द वकांडन फाइल्स में। तो वो सब जिनको नहीं पता, द वकांडन फाइल्स मार्वल के द्वारा इशू किया गया एक ऐसा बुक है जो MCU कैनन है और जिसमें MCU के उन डिटेल्स और उन इवेंट्स को मेंशन किया गया है जो हमने ऑन स्क्रीन मूवी में नहीं देखे लेकिन जो MCU से रिलेटेड है। सो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि किलमोंगर के हार्डशेप हब को जलाने के बाद शुरी अपने लैब में हार्डशेप हब को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करती है एंड उसमें वो वाइब्रेंट के प्रॉपर्टीज को भी ऐड करने की कोशिश करती है। लेकिन एज हार्डशेप हब में बास ने अपनी मैजिकल पावर्स डाली थी तो उसके वजह से शुरी हार्डशेप हब की मैजिकल प्रॉपर्टीज को डिकोड नहीं कर पाती। लेकिन अगर हमारी ये बास को कैद करने वाली थ्योरी सही है तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि मून नाइट यानी कि अपना मार्क स्पेक्टर सीरीज एंड होते होते खोंशु के साथ बास को भी आजाद कर देगा। पर अगर ये सीरीज में बास आजाद नहीं होता है तो फिर वो हमें थॉर 4 में दिख सकता है एज इस मूवी में उसके दिखने के रूमर्स काफी समय से आ रहे हैं। अब बास के आजाद होने के बाद मे बी शुरी के बनाए हुए सिंथेटिक हब में बास अपने पावर्स को फिर से रिस्टोर कर दे जिसके बाद शायद शुरी ही उसे कंज्यूम करके नई ब्लैक पैंथर बने या फिर कोई ऐसा इंसान ब्लैक पैंथर बनेगा जो उसके हकदार हो। अब ये कौन बनेगा वो तो आपको इसके पार्ट 3 में ही मालूम पड़ेगा। अब आपको ये थ्योरी कैसी लगी और इसके सच होने के कितने परसेंट चांसेस है हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग थ्योरीज लाते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगर आपको इसका पिछला पार्ट 1 देखना है तो राइट में क्लिक करो या कोई रैंडम वीडियो देखनी है तो लेफ्ट में क्लिक करो। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz. Like